तो फैमिली, अगर आप भी एक यूट्यूबर हैं और यूट्यूब पे लगातार वीडियोस बनाते हैं तो आप एक शख्स को जरूर जानते होंगे जिनका नाम हो जाता है मनोज देव। मनोज देव को आज यूट्यूब पे सारे लोग जानते हैं, चाहे वो गेमिंग चैनल, चाहे वो कुकिंग चैनल हो, चाहे डांस चैनल हो, चाहे टेक चैनल हो, चाहे वो गेमिंग चैनल हो, चाहे जो चैनल हो फैमिली, वो सब आज मनोज देव सर को जानते हैं। क्योंकि सर, मनोज देव ने आज यूट्यूब से लाखों रुपये कमा चुके हैं और लाखों रुपये कमाने के साथ अपनी लाइफ स्टाइल इतनी अच्छी कर ली है कि लोग उनके फ़ैन होते जा रहे हैं। उनके को देख कर यूट्यूब पर लोग हज़ारों भीड़ों में आ रहे हैं। तो फैमिली आज मनोज देव सर यहाँ से पैसा कमा रहे हैं यूट्यूब से। साथ ही साथ फैमिली, उन्होंने एक नहीं तीन तीन चैनल यहाँ पे बना के रखे हैं। एक पे ब्रॉडकास्ट, वो अभी जो नया चैनल खोले हैं, और एक पे अपना ब्लॉग बनाते हैं, और एक जो सबसे पुराना चैनल हो जाता है जिसका नाम टेक चैनल हो जाता है, जो कि वो मनोज देव नाम से है, उसको वहाँ पे करते हैं। और मेन चैनल वही हो जाता है फैमिली जहाँ से वो लाखों रुपये कमा रहे हैं। आज के डेट में देखा जाए फैमिली, वो तीनों चैनल से मिलाकर लाखों रुपये कमा रहे हैं और साथ ही साथ अपनी लाइफ स्टाइल को सुधार चुके हैं। इसी को देखते हुए फैमिली, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो यूट्यूब पर आ रहे हैं और वो भी यही सपना देखते हैं और वो भी यही यूट्यूब पे करने लगते हैं। तो फैमिली, अगर आप भी मनोज देव सर को वीडियो देख के बनाते हैं, उनसे इंस्पायर होकर वीडियो बनाते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हाँ, आप भी मनोज देव सर के वीडियो से इंस्पायर होकर वीडियो बनाते हैं। तो फैमिली, आज का मुद्दा जो सबसे बड़ा हो जाता है कि मनोज देव सर तो यहाँ से वीडियो बनाकर लाखों रुपये कमा रहे हैं, अपनी लाइफ स्टाइल सुधार लिए, हर जगह घूमने जा रहे हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर से उनका मिलना जुलना हो गया और अपनी लाइफ स्टाइल प्रतिदिन अच्छा करते जा रहे हैं। जहाँ वो एक समय गाड़ी पर घूम नहीं पाते थे, आज उनके पास खुद की दो दो गाड़ियां हो जा रही है थार लेने की। अभी वो कोशिश करने वाले हैं फैमिली, वो लेने वाले हैं जल्दी ही जल्दी। इस तरह से फैमिली, अगर देखा जाए तो आज यूट्यूब ने उनकी लाइफ स्टाइल ही बदल दी। बट फैमिली, यहाँ पे एक टर्न आ जाता है, यहाँ पे एक मोड़ आ जाता है कि यूट्यूब पे एक ऐसा भी चैनल है फैमिली जिसको मिलियंस में व्यूज़ आती हैं, यानी कि 2 मिलियन 3 मिलियन व्यूज़ भी आती है। और सब्सक्राइबर की बात कर ली जाए फैमिली, तो 24+ मिलियन सब्सक्राइबर हो जाती, 24 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाती फैमिली। अगर पैसे की बात फैमिली कर ली जाए तो आज वो महीने में 10 लाख से भी ज़्यादा वो कमा सकते हैं अपने चैनल से। बट फैमिली, आज तक उन्होंने अपना चैनल मोनेटाइज ही नहीं किया। जी हाँ फैमिली, एकदम सही सुन रहे हैं, उन्होंने आज तक अपना चैनल मोनेटाइज नहीं किया। और आकर वो अपना चैनल मोनेटाइज कर ले तो आज वो करीबन एक महीने में 10 लाख से ज़्यादा, मैं बहुत कम बोल रहा फैमिली, वो 20 लाख से भी ज़्यादा उस चैनल से कमा सकते हैं। क्योंकि फैमिली, उनके चैनल पे हर वीडियोस पे 2 मिलियन 4 मिलियन 5 मिलियन व्यूज़ आती है। और चैनल की बात कर ली जाए तो वीडियो पे फैमिली वो कम से कम 15 से 25 मिनट की वीडियोस डालते हैं, जिस पे करीबन 3 से ज़्यादा वीडियोस पे एड्स आ सकती हैं फैमिली, उस पे 3 से ज़्यादा ऐड आ सकती है। और 3 से ज़्यादा ऐड आने का मतलब फैमिली, उनका जो पैसा बनता है वो काफ़ी ज़्यादा बनता, लाखों में नहीं फैमिली, 20 लाख से भी ज़्यादा, 30 लाख से भी ज़्यादा उस चैनल की मंथली इनकम हो जाती है फैमिली, जो कि मनोज देव सर से बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। बट फैमिली, आपको दिल में ये जानने की जिज्ञासा जरूर होगी होगी कि वो चैनल अभी तक अपना मोनेटाइजेशन अप्लाई क्यों नहीं किया। तो फैमिली, आप अपने ही कानों से सुन लीजिए कि उस चैनल ने मोनेटाइज अप्लाई क्यों नहीं किया। तो मेरी मंथली जो व्यूज आ रहे हैं चैनल के ऊपर, टोटल जो नंबर ऑफ व्यूज होते हैं वो है करीब 7 करोड़। जो मेरी ड्यूरेशन है वीडियोस की वो है 20 से 25 मिनट। तो उसमें मल्टीपल ऐड चल सकती है। तो देख करके मेरे अंदर लालच आया, उसको आप सीधी सी कैलकुलेशन करोगे तो महीने का बनता है 1-1.5 करोड़ रुपए। इतना मैं अपने धंधे से भी नहीं कमा रहा। मुझे क्या करना है, जो मोनेटाइजेशन मैंने पीछे से ऑफ कर रखी है उसको जा करके ऑन करना है, पैसा आना शुरू बैंक में। अभी आप सर इंटेंशन की बात कर रहे थे काफी टाइम से, तो मैं वही जानना चाह रहा था कि आपका सर एग्जैक्टली लाइक एक्चुअली में आपका इंटेंशन क्या है सर इस सबके पीछे। मेरी नीयत क्या है कि मेरे पास में 2 ऑप्शन है आज। एक ये कि मैं एक इंसान के फायदे के बारे में सोचूं, वो एक इंसान कौन है, मैं हूं। तो मेरा फायदा किस में है, उस बटन को ऑन करने में, जो 1 घंटे का काम, 500 वीडियोस पे ऑन हो जाएगा, खट 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 खट, और नोटों की बारिश शुरू। इसमें किसका फायदा हुआ, एक का। अगर मैं ऐड ऑन नहीं करता हूं तो उसमें कितनों का फायदा हुआ, 7 करोड़ व्यूज हो रहे हैं हर वीडियो पे। अगर मल्टीपल टाइम्स ऐड चलती और 1 मिनट भी वेस्ट होता एक वीडियो में, क्योंकि ऑन एन एवरेज मेरी ड्यूरेशन क्या है एक वीडियो की, 20 से 25 मिनट, तो मान लेते हैं उसमें 1 मिनट ऐड में चला जाता है, तो क्या 7 करोड़ मिनट का टाइम खराब नहीं हो गया और लोगों का? टाइम इज इक्वल टू मनी, सोचो मैं क्या कह रहा हूं, अगर समझ पा रहे हो तो। तो इसको बोलते हैं नियत, कि आपको यह देखना है कि एक का फायदा है या सबका फायदा है। तो फैमिली, ऐसे सर के लिए और ऐसा उनका सोचने के लिए उनको सल्यूट है दिल से। इस तरह का अभी तक कोई भी यूट्यूबर यूट्यूब पे नहीं आया जो कि अपना
टाइम बचाने के लिए, दूसरे का टाइम बचाने के लिए, अपना तो फैमिली वो टाइम दे ही रहे हैं, अपना टाइम वो बचा कर हम लोग को दे रहे हैं फैमिली, बट फैमिली हमारा टाइम बचा रहे हैं उस एड्स को ना देखने की वजह से, और ताकि उनका जो वीडियो हो वो लोग कंप्लीट देखे। तो फैमिली ऐसे यूट्यूबर, ऐसे बड़े बड़े मोटिवेटर को मुझे सलाम है दिल से, जो कि अपना ना सोच के दूसरे का सोचते हैं। तो आई होप फैमिली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा फैमिली। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।